सबसे पहले मैं इस तरीके से पेन ड्राइव यूज़ करता था, ये एच पी का पेन ड्राइव है और ये सैनडिस्क का पेन ड्राइव है जो कि ख़राब हो गया, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि अब इस तरीके जो पेन ड्राइव आता है वो वाला परचेज़ करें। तो उसके बाद मैंने इस तरीके से सैनडिस्क का जो पेन ड्राइव आता है प्लास्टिक वाला, वो मैंने परचेज़ किया हुआ था जो कि ये भी ख़राब हो गया, तो मैं इसे भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि अब इसे परचेज करें। फाइनली मैंने जो पेन ड्राइव परचेज़ किया हुआ है वो इस तरीके से कुछ पेन ड्राइव आपको देखने को मिलता है। इसे मैंने 32 GB, 64 GB, 128 GB का परचेज़ किया हुआ है। मैंने 128 GB और 64 GB का अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैंने 32 GB के एक और परचेज़ किया हुआ, तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाली, तो इस वाले वीडियो पर डाल दूंगा। इसे मैं करीब 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही चले, इसमें कोई भी अभी तक मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। पेन ड्राइव है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, प्लास्टिक मटेरियल के बनाए गए, और ये थोड़ा आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, इसलिए मैं इसे सजेस्ट करूँगी आप इसे परचेज कर सकते हैं करके। ये पेन ड्राइव मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। आपको इस साइड में आपको USB टाइप देखने को मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और पीछे की तरफ आपको टाइप सी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये देख पा रहे हैं टाइप सी नहीं है। तो आपको इस तरीके से OTG परचेज करना पड़ेगा टाइप सी वाला, जिसे यदि आपको फ़ोन जो टाइप सी सपोर्ट करता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सैनडिस्क पेन ड्राइव ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला पेन ड्राइव है। इसे मैं आपको फ़ोन पे भी लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी है। इसकी जो स्पीड है 3.0 इसकी जो स्पीड है, इसे मैं फ़ोन पे और अपने PC पे भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इसमें कितना कितना आपको स्टोरेज देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं PC की ओर। ये हमारे USB ड्राइव कनेक्ट हो चुके हैं, ये देख पा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपकी प्रॉपर्टी पे चेक करता हूँ, यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी 114 GB दिखा रहे हैं 128 GB में, जहाँ हमने 108 GB यूज़ कर लिया हुआ है और 6 GB बचा हुआ है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बाकी को भी कनेक्ट करके देखता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर स्पेस जो है शो करता है। अभी मैंने 64 GB का पेन ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, जहाँ पर हमें 57 GB स्टोरेज देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमें 57 GB कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने जो यूज़ कर लिया 41 GB, और यहाँ पर जो फ्री है वो 16 GB का यहाँ पर कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं। 32 GB वाले को भी कनेक्ट करके देख लेता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर 32 GB वाले पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लिया है, जहाँ पर हमें स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है। टोटल यहाँ पर 28 GB देखने को मिल रही है, जहाँ हमने यूज़ कर लिया हुआ है 19 GB, यहाँ पर जो फ्री स्पेस है 8 GB यहाँ पर शो कर रहे हैं। फिलहाल मैंने पेन ड्राइव को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। यह देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पॉप सॉन्ग है, ये 1.6 GB का स्टोरेज है यहाँ पर। इसे अपन कॉपी करके देखते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ सेंड पे, यहाँ पर USB ड्राइव में कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 1.6 GB का है ये, जी देख पा रहे हैं किस तरीके से 14 से 15 MB पर सेकेंड स्पीड दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर दिया भी गया था कार्ड में 3.0 इसकी जो स्पीड है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया हुआ था। मतलब आप आसानी से यहाँ पर डाटा, काफ़ी बड़े बड़े डाटा को यहाँ पर आसानी से कम टाइम में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये मुझे बात काफ़ी ज़्यादा सही लगी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया हुआ था। चलिए तो मैं इसको फ़ोन पे भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि स्टोरेज कैपेसिटी किस तरीके से शो कर रही है, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा था ये पेन ड्राइव। ये रहा हमारा पेन ड्राइव, और इसे अपन कनेक्ट करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर आप USB पीछे तरफ USB मतलब कंप्यूटर पे आप अटैच कर सकते हैं, या OTG भी इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपको टाइप सी है तो वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो फ़ोन है वो टाइप सी नहीं है, तो हम इस तरीके से पीछे से यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको। इसे मैं खोल लेता हूँ, एक बार हमारा जो USB है वो शो कर रहा है इस तरीके से, जो कि कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं स्टोरेज कैपेसिटी आपको दिखा देता हूँ कि हमें कितना शो कर रहा है फ़ोन पे। फिलहाल हमने 128 GB वाला यहाँ पर पेन ड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 128 GB में 123.03 GB यहाँ पर शो कर रहा है स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब फ़ोन में कुछ दूसरा शो कर रहा है और कंप्यूटर पर कुछ दूसरा शो कर रहा है, तो ऐसा कुछ शो कर रहा है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी 128 GB टोटल नहीं रहती, मतलब 128 GB से कम ही रहती है। अभी मैंने 64 GB वाले पेन ड्राइव को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कितना शो कर रहा है।
64 GB में यहाँ पर हमें 61 GB शो कर रहा है, देख पा रहे हैं ये 64 GB में 61 GB यहाँ पर शो कर रहा है। 32 GB में कनेक्ट करूँगा तो वो हमें 30 GB शो करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा। इसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पर आप इस तरीके से रस्सी भी लगा सकते हैं जिससे जो पेन ड्राइव है घूमे ना। चलिए मैं जो 32 GB वाला पेन ड्राइव था इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाल देता हूँ। मैंने तीनों को ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ये वाला पेन ड्राइव लगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला पेन ड्राइव परचेस कर सकते हैं। इसको बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, इसका जो लुक है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।